से बचाव को लेकर झारखंड सरकार के निर्देश पर दूसरे दिन भी लातेहार जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 18 से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है। जिले में कुल 26 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों में 5 दिन आगे तक का स्टॉक बुक है। जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास ने। कोरोना को मात देने को लेकर लातेहार जिला प्रशासन टीकाकरण अभियान करवा रहे हैं और आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी टीका दिया जाना लगा है, वो भी निःशुल्क। यहाँ पे लातेहार में कुछ टीका लेने के बाद लोग हैं। आप टीका लिए, क्या भ्रांति थी पहले और लोगों को किस तरह का मैसेज देंगे? टीका लेने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कुछ नहीं होता है। हम लोग आराम से टीका लिए हैं और आधे घंटे के लिए वेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे साथ टीकाकरण केंद्र में कुछ लोग हैं, कर्मचारी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि टीका केंद्र में अभी अब किस तरह की भीड़ है लोगों की। 18 प्लस में काफ़ी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है कोविड वैक्सीन के लिए, और जो भी हमारा स्लॉट जो ऑनलाइन है वो 5 दिन का एडवांस बुक हो चुका है, और अच्छा लग रहा है कि लोग जागरूक हुए हैं टीका लेने के लिए, और थोड़े अधिक लोग जो बाकी हैं वो भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर टीका जरूर लगवाए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 5 दिन पूर्व का स्लॉट बुक करवा लिया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों में जागरूकता आई है और लोग टीकाकरण करवाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। लातेहार से न्यूज 11 के लिए विकास तिवारी। एक छोटा सा